नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम सीखेंगे एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल एंड न्यू फार्मूला जिसका नाम है टेक। टेक फार्मूला क्या करता है, ये हमारा टेबल है। अब मुझे इस टेबल से टॉप के 5 रोज चाहिए तो वो टेक फार्मूला के थ्रू हम ले सकते हैं, या फिर हमें बॉटम का चाहिए तो भी हमें टेक फार्मूला लाकर दे देगा। तो दोस्तों चलिए टेक फार्मूले का यूज देखते हैं। उससे पहले जो भी यूजर हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल ना। तो चलिए दोस्तों टेक का बेसिक फंक्शन जान लेते हैं। उसके लिए लगाएंगे इक्वल टू और लिखेंगे टेक। अब टेक को क्या चाहिए, एरे चाहिए और रोज चाहिए, ये दो मैंडेटरी है। कॉलम है वो ऑप्शनल है, ओके। तो चलिए अभी एरे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एरे हमारा हो गया टेबल, कॉमा लगाएंगे, रोज। अब ये कह रहा है कि कितने कॉलम चाहिए आपको टॉप से, तो मुझे 5 लेने हैं। अभी मैं यहाँ पे 5 टाइप करूँगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूँगा। तो देखिए दोस्तों इस टेबल से टेक फार्मूला 5 रोज लेकर आ गया है। अब मान लीजिए मुझे टॉप से नहीं नीचे से चाहिए, बॉटम से लेकर आना है, तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मूले को एडिट करूँगा और बस मैं -5 लिख दूँगा और कुछ नहीं चेंज करना है, बस आपको -5 लिख देना है और करना है एंटर। ये देखिए अब ये -5 करते ही बॉटम से डेटा आ गया है। अब अगर मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे 10 चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 10, तो ये 10 लेकर आ जाएगा। तो ये है टेक का बेसिक यूज। अब इसको हम थोड़ा सा एडवांस में करते हैं, इसको हम थोड़ा एडवांस में करते हैं फिल्टर के साथ। अब मुझे क्या चाहिए, मेरा क्वेश्चन ये है, इस टेबल से मुझे केवल ईस्ट जोन का डेटा दे दो। तो उसके लिए हमें फिल्टर फार्मूले का हेल्प लेना पड़ेगा। तो चलिए आपको पहले बेसिक फिल्टर फार्मूले का यूज बता देता हूँ। लगाएंगे इक्वल टू, लिखेंगे फिल्टर, इसको भी एरे चाहिए, इसको हम एरे दे देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब इंक्लूड करें, इसमें इंक्लूड का मतलब है कि आपको किस कॉलम से फिल्टर लगाना है, तो मुझे जोन के कॉलम से फिल्टर लगाना है, तो मैं उसको कर लूँगा सेलेक्ट और लगाएंगे इक्वल टू का साइन, डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन करेंगे। अब इसमें मुझे चाहिए ईस्ट जोन का डेटा, तो मैं टाइप करूँगा ईस्ट और डबल इनवर्टेड कॉमा करेंगे क्लोज, ब्रैकेट भी करेंगे क्लोज, दबाएंगे एंटर। देखिए दोस्तों अब ये हमें ईस्ट जोन का डेटा लाकर दे दिया फिल्टर ने। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को हम कॉपी कर लेंगे और कुछ नहीं करना हमें, और हम जाएंगे अपने टेक वाले फार्मूले में, सब हटा देंगे, जहाँ पे ये हमसे एरे मांगता वहीं पे ले जाके अपने फार्मूले को पेस्ट कर देंगे। अब मुझे ईस्ट जोन से टॉप के 3 चाहिए, तो मैं कॉमा लगा के 3 लिख दूंगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा दूंगा। ये देखिए दोस्तों ये टॉप 3 ईस्ट जोन के डेटा आ चुके हैं। अब अगर मुझे बॉटम का चाहिए तो मैं 3 के आगे माइनस लगा दूंगा, -3 और एंटर। अब ये नीचे से ईस्ट के डेटा आ चुका है। अब मुझे क्या, मैं क्या चाह रहा हूँ, अब मुझे अगर साउथ का डेटा चाहिए तो मैं इस फॉर्मूले को एडिट करूँगा और यहाँ पे जाके लिखूँगा साउथ और करूँगा एंटर। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मुझे बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे डायनेमिक। इसको जाएंगे हम साउथ को हटा देंगे, ओके, इक्वल टू का साइन रहने देना है। उसके बाद हमें करना है सेलेक्ट एक सेल, यहाँ पे मैंने वैलिडेशन लगाया है तो हम इसको कर लेते हैं सेलेक्ट और दबाएंगे एंटर। तो यहाँ पे मैंने वैलिडेशन लगा लिया अपने जोन का, जितने भी हमारे जोन है यहाँ पे मैंने वैलिडेशन लगा दिया है, ताकि हम इसको बस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पे ईस्ट का आ गया, अब मैं यहाँ पे नॉर्थ का सेलेक्ट करूँगा, नॉर्थ का आ गया। अब हमें बार बार फॉर्मूले के अंदर जाके एडिट नहीं करना पड़ेगा, बस हम यहाँ से चेंज करेंगे अपना जोन और उस जोन का डेटा हमें मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब अगला स्टेप ये है मेरा कि मेरा क्वेश्चन है, अब मुझे ये चाहिए इस टेबल में जिन्होंने सबसे टॉप सेल किया है, वो टॉप सेल जिन्होंने किया है, टॉप 3 एम्प्लॉई मुझे यहाँ पे चाहिए, टॉप 3 एम्प्लॉई।
ओके, जिन्होंने हाईएस्ट सेल किया है वो 3 एम्प्लॉय के नेम यहाँ पे चाहिए। उसके लिए हम शॉर्ट फॉर्मूले की मदद लेंगे। तो चलिए आपको शॉर्ट का थोड़ा सा वो बता देता हूँ। लिखेंगे शॉर्ट, इसको एरे चाहिए, इसको भी हम एरे देंगे, सेलेक्ट करेंगे, लगाएंगे कॉमा, इन शॉर्ट इंडेक्स। अब ये पूछ रहा है किस कॉलम से आपको शॉर्ट करना है, मुझे करना है सेल क्वांटिटी से। तो ये कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4, फोर नंबर पे है, हम लिखेंगे 4 और लगाएंगे कॉमा। अब शॉर्ट ऑर्डर पूछ रहा है, अगर हम 1 लिखेंगे तो ये एसेंडिंग में करेगा और अगर -1 लिखेंगे तो डिसेंडिंग में करेगा। तो हमें करना है अभी डिसेंडिंग, लगाएंगे -1 और करेंगे ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये देखिए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा सेल किया है वो सबसे ऊपर आ चुका है। ओके, अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को हम करेंगे कॉपी। ओके, इस फॉर्मूले को हमने कॉपी कर लिया और गए अपने टेक फॉर्मूले में और यहाँ से हमने सब हटा दिया, बस टेक का फॉर्मूला लगा रहेगा और जहाँ पे टेक एरे मांग रहा है वहाँ पे हम इसको कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम लगाएंगे कॉमा और लिखेंगे हमें टॉप 3 चाहिए, लिखेंगे 3 और ब्रैकेट करेंगे क्लोज एंड एंटर। ये देखिए दोस्तों, टॉप 3 सेल्स आ चुके हैं जिन्होंने इस टेबल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेल किया है। 3 एम्प्लॉय की डिटेल इसमें आ चुका है। अब अगर सेम हमें बॉटम का चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूले को एडिट करेंगे और 3 के आगे माइनस लगा देंगे, यानी कि -3 और दबाएंगे एंटर। अभी आगे बॉटम 3 एम्प्लॉय ये हैं। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको सॉर्ट फिल्टर एंड टेक फॉर्मूले का यूज़ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।